और स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम लाइव में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। और सबसे पहले बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर, तेजस्वी यादव की रैली में चिराग पासवान को लेकर गाली दी गई है, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है चिराग पासवान को लेकर, जिसके बाद बिहार की राजनीति में अब भूचाल आ गया है। लगातार प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगा है, चिराग पासवान को गाली देने का आरोप है और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो देखिए, जब आरजेडी के कार्यकर्ता चिराग पासवान को गाली दे रहे थे, उस वक्त मंच पर महिलाओं की भी मौजूदगी थी, रैली में महिलाएं भी शामिल थी और महिलाओं के सामने ही इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया। आप लोग सब लोग जानते हैं, अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये चीज टॉलरेट नहीं की जाती है, पहली बात है ना। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक वीडियो डाला है जो जनता के बीच, मतलब मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे, तब हम तो अपना भाषण दे रहे हैं है ना, उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं है। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा है, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। तो ऐसी बात जो है, हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसी गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहां नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। लेकिन तो बात जो है, बतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। अभी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिसने भी कहा वो गलत। देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति का इस स्तर पर जाना उनके मानसिकता और संस्कार को दर्शाता है। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूँ। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ा। तो देखिए, बिहार की सियासत में अब बयानबाजी का जो है वो दौर आगे भी लगातार